चंद्रयान 3 ने फिर से भेजी पहले से ज्यादा भयानक फोटो और चांद का वीडियो। दोस्तों, इस समय चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों अलग अलग हो गए हैं, और जब से लैंडर लैंडिंग करने के लिए अपने सफर पर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चांद का रहस्यमय खुलासे कर रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में लगे हाई रेजुलेशन कैमरे ने चांद की ऐसी भयानक फोटो के साथ वीडियो को भेजा है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी अचंभे में पड़ गए हैं। साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर ने इसरो के पास ऐसा मैसेज भेजा है जिसे देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को भी अपने कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। दोस्तों, 17 अगस्त के दिन दोपहर में 1:15 पर जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों अलग अलग हो गए थे, तभी विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को धन्यवाद देते हुए इसरो के पास मैसेज को भेजा है, और मैसेज में लिखा है कि जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका धन्यवाद। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह मैसेज विक्रम लैंडर ने इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजा है, जिसकी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट के माध्यम से दे दिया है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों को पार किया। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर के अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग के पहले चरण को 18 अगस्त के दिन चालू कर दिया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर की डी बूस्टिंग की जाएगी, यानी स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। अभी तक के सबसे कठिन कामों में से यह काम एक है जिसके लिए वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। साथ ही आपको बता दें कि लैंडिंग के समय इसका AI यानी इसमें लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही निर्णय लेगा कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंडिंग करना है। इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगे सेंसर और कैमरों के माध्यम से जानकारी लेता रहेगा, और उसी जानकारी के माध्यम से वह तय करेगा कि उसे लैंडिंग कहां पर करना है। यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर अपने आप निर्णय लेगा कि उसे जिस जगह पर लैंडिंग करना है वह जगह उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। यदि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किसी असुरक्षित जगह यानी किसी गड्ढे या फिर ज्यादा ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंडिंग करने वाला होगा, तो उसमें लगा AI सिस्टम उसे उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर सुरक्षित लैंडिंग कराएगा। हम कह सकते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 के सफल होने के चांसेस 100% है। चलिए दोस्तों, अब आपको चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों को दिखाते हैं। दोस्तों, इस समय जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा द्वारा 17 अगस्त के दिन दोपहर 1:00 कैप्चर किया गया है। इस वीडियो में आपको चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, और चांद की धरती पर मौजूद गड्ढे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हमारा चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से पहले चांद पर उतर जाता है, तो हमारा देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि रूस की रोज कॉस्मोस स्पेस एजेंसी ने लूना 25 को चंद्रयान से पहले उतारने का दावा किया है। अगर रूस कर लूना 25 सही सलामत रहा, तो वह चांद पर 22 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। लेकिन यदि लूना 25 के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हमारा चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन यही आखिरी पड़ाव इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट है। यहां तक हमारा चंद्रयान 2 भी इसी स्टेप पर आकर फेल हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि चांद की दुनिया इतनी खतरनाक क्यों है, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हमसे 384,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। धरती से देखने पर यह भले ही हमें गोल नजर आता हो, लेकिन हकीकत में यह भी पृथ्वी की तरह थोड़ा अंडाकार है। चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, और यह हीलियम, आर्गन, सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बना है। चांद पर पानी भी मौजूद है, जिसकी खोज साल 2009 में हमारे चंद्रयान 1 ने सबसे पहले की थी। लेकिन यह पानी पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि चांद पर यह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन चंद्रमा हमारी नींद पर भी खास असर डालता है, और यह बात एक रिसर्च में साबित हो चुकी है। दरअसल 8 से 10 साल पहले स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में यह खोज की गई थी कि अमावस की रात में लोग ज्यादा गहरी नींद सोते हैं, जबकि पूर्णिमा की रात उन्हें नींद इतनी अच्छी नहीं आ पाती। अब इसकी वजह क्या है, यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपने बहुत बार सुना होगा कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बड़े और गहरे गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है, और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को यहीं पर उतरना है।
साथ ही इस इलाके में गड्ढे भी सबसे ज्यादा है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा गड्ढा भी मौजूद है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है, जिसका व्यास 25 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। यानी इसमें एक से लेकर 10 कुतुब मीनार तक समा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव को सिर्फ इसके गड्ढे ही इतना खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि बेहद ठंडा तापमान भी इस जगह के भयानक होने की एक बड़ी वजह है। असल में इस इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ती, जिसके चलते यहाँ कुछ हिस्सों का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में कोई नहीं जानता कि यहाँ कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे बेशुमार पानी छुपा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे यह पता चले कि दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे सोडियम, मरकरी, मेथेन और अमोनिया का खजाना यही है। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के इस खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और अमेरिका तो आज से करीब 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, पर उन्होंने चांद के इस इलाके को खोजने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? असल में दोस्तों, इस विषय पर दुनिया भर में कई सारी थियरी मौजूद है, जिसमें कुछ थियरी को खुद नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ही जन्म दिया है। 1969 और 1972 के बीच अपने अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने कुल 12 अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा था, और उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स चांद के अंधेरी दुनिया के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा कर चुके हैं। कुछ ने तो चांद पर एलियंस के मौजूद होने की बात भी कही थी, और लोग कहते हैं कि नासा ने 1972 के बाद अब तक इसीलिए कोई मून मिशन नहीं भेजा, क्योंकि उसको चांद की दुनिया के यह गहरे राज पता चल गए थे। हालांकि नासा की तरफ से इसकी वजह दी गई कि चांद पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खोज की जाए, इसलिए अब इस मिशन पर और ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।